हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता आसिम जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। आसिम जी स्वागत है आपका। आसिम जी मुझे सिर्फ सीधा सीधा एक बात बता दीजिए, ओवैसी साहब हिजाब को लेकर क्यों इतने भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, एक के बाद एक स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, क्या आप लोगों की तरफ से इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, इसमें मुझे तो नहीं लगता कोई उन्होंने भड़काऊ बात की। अब आपको किस बात पे आप भड़क रही है मुझे नहीं पता। वो तो ये कह रहे हैं कि एक शुरफा अंदाज में शरीफों की तरह से अच्छी एक परंपरा कायम करते हुए सर ढककर हिजाब लगा के जाइए, और अगर आपको बुरा लग रहा है तो बीजेपी वालों को बुरा लग रहा है तो आप लोग मिलकर कंगना रनौत से अपील कर दीजिएगी, वो भी कर देगी। कहां से इसमें बीच में आ गई आसिम जी? वो बीजेपी की मतलब समर्थक है ना, वो बीजेपी की नेता है, वो आप लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, आपको पता है, आपको बताया उन्होंने आके? ना, आप लोग पसंद करते हैं उनको, तो मैंने कहा कि आप लोग अपील कर दीजिए। मैंने तो कंगना रनौत जी को इस पैनल में इनवाइट किया ही नहीं है। जी जी, तो मैं नहीं, मैंने कर दिया। वो तो इस पैनल में है ही नहीं, मैं तो प्रश्न आपसे कर रही हूँ, मैं ओवैसी साहब को लेकर प्रश्न कर रही हूँ, आप कहीं और जा रहे हैं अपनी बात को लेकर। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये कौन सा जुमला है कि सर पर हिजाब है तो दिमाग खुलेगा? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मैंने अपील कर दी, हमारे नेता ने अपील कर दी, अब आप लोग को बुरा लग रहा है, आप कंगना रनौत से अपील करा दीजिए। बुरा नहीं लग रहा है, कितना जाए बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन ये मतलब समझ नहीं आया। अच्छा चलिए, मुझे इस जुमले का मतलब बता दीजिए आसिम जी। चलिए, मुझे इस जुमले का आप मतलब बता दीजिए, मीनिंग समझा दीजिए। मैडम, वैसी साहब चाहते हैं कि एक सुरफा अंदाज में शरीफों की तरह से एक अच्छी परंपरा कायम करते हुए महिलाएं जाएं, मुस्लिम महिलाएं, आपको बुरा लग रहा है, आप सर हमें क्यों बुरा लगेगा, आप तो सवाल कर रहे हैं ना, सवाल पूछना हमारा अधिकार है। संजय चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आसिम जी आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। संजय चौधरी जी, अगर आपको इस जुमले का मतलब समझ आ रहा है तो आप ही समझा दीजिए, या फिर असीम साहब और अच्छे तरीके से समझा दें। देखिए असीम साहब के साथ प्रॉब्लम ये है कि कभी तो ये ओबीसी के पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं, कभी पुरानी पार्टी समाजवादी पार्टी जिसमें रहे हैं उसके अंश इनके अंदर प्रफुल्लित हो जाते हैं, तो इनके बयानों को बहुत गंभीरता से न ले। वैसे भी ओबीसी साहब का यहाँ कोई भी नुमाइंदा विधानसभा की चौखट पर अभी तक चढ़ नहीं पाया है। ये केवल और केवल मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं, उन्हें बरगलाना चाहते हैं, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ऐसे ही लोगों के कारण हिंदुस्तान का मुसलमान अभी तक गरीब है, अशिक्षित है, पिछड़ा है और विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है। ऐसे ही लोग उसे वास्तव में विकास की बात नहीं करते, उनकी शिक्षा की बात नहीं करते, उनके रोजगार की बात नहीं करते, उनकी बेहतरी की बात नहीं करते, वो छोटे छोटे मुद्दों में हिंदुओं का डर दिखाकर मुसलमानों को बरगलाते हैं। बताइए आसिम जी, क्या भड़काने की कोशिश हो रही है जिस तरीके से संजय चौधरी जी भी कह रहे हैं, क्या जवाब देंगे, क्या गुमराह किया जा रहा है, क्या भड़काने की कोशिश हो रही है? नहीं, मैं तो संजय चौधरी जी से कह रहा हूँ, संजय चौधरी जी आ गए जाती बात पर, मैं संजय चौधरी जी से कह रहा हूँ कि कौन सी गलत बात कह दी आपको, हिजाब से प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं चाहते, आप अपने जो कंगना रनौत है उसकी तरह अपील कर दीजिए, उसकी तरह कपड़ा पहन जाए। मुझे आप क्या प्रॉब्लम है, आपके फैन लग रहे हैं पक्के वाले। हाँ, मैंने कहा ना, आप करिए, अपील कीजिए, अपील कीजिए। फैन लग रहे हैं, लगता है कोई मूवी नहीं मिस करते होंगे। नहीं मतलब आप भी पहनी है। नहीं नहीं, मैं कोई फैन नहीं हूँ सर, मैं किसी की फैन नहीं हूँ, मैं किसी की फैन नहीं हूँ आसिम जी, ये गलत फैन भी आप निकाल दीजिए, मैं किसी की फैन नहीं। देश में परंपरा कायम कीजिए, एक अच्छी एक बुरी, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए, हम लोग को जो अच्छा लगता है वो हम लोग करें। अजरा जी, आसिम जी कह रहे हैं जिसको जो अच्छा लगे वो करे, जाहिर सी बात है जिसको जो अच्छा लगे वो करे, लेकिन क्या आपको महसूस नहीं होता इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है या फिर लोगों को भड़काया जा रहा है? और ये जो जुमले अलग अलग निकाल कर ले आते हैं ओवैसी साहब, इन जुमलों का मतलब भी तो होना चाहिए ना।